हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग बनाए थे घर पे बहुत ही इजी, बहुत ही क्विक और बहुत ही टेस्टी बनने वाला, आप इसको बिरयानी भी बोल सकते हैं, पर हम लोग यहाँ झारखंड में इसको सूड़ी भात बोलते हैं। तो देखिए, ये उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका एकदम बिल्कुल 10 मिनट से 15 मिनट में पक जाएगा। और बहुत ही, और हम देखिए बहुत कम ड्यूरेशन का इसलिए वीडियो बनाते हैं क्योंकि हम खुद भी चाहते हैं कि लंबा वीडियो हमको खुद पसंद नहीं है, तो हम सोचते हैं दूसरों को भी नहीं पसंद हो और रहता है, और जिससे कि वो लोग जल्दी देख ले वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले ना हम क्या किए थे, चिकन को धो लिए थे और उसके बाद गुट्टे गर्म मसाला था मेरे पास और प्याज था, उसको तेल में डाल के हल्का सा फ्राई कर लिए थे। फिर साथ ही हम उसके लिए देखिए चावल रख लिए थे, 2 कटोरी मेरे पास चावल था। और फिर उसके बाद हम जो मसाला डालेंगे वो सब था, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, फिर थोड़ा सा गोलगी पाउडर था, थोड़ा सा चिकन मसाला था और साथ ही साथ मिक्स मसाला था, हल्दी था, ये सबको हम डाल दिए। फिर पर साथ ही साथ हम चिकन को देखिए भून रहे हैं, प्याज हम लोग का भुना गया था तो चिकन डाल दिए। फिर उसके बाद ये जो मसाला था ना उसको हम डाल दिए हैं। तो देखिए, जो मसाला था उसको डालने के बाद आप नमक भी डाल सकते हैं इसी टाइम पे, फिर नमक डाल लीजिएगा। तो फिर उसके बाद फिर चावल को मैंने धो लिया था और देखिए इसमें हल्का सा मैंने लहसुन मिर्चा और अदरक का पेस्ट भी डाला था, ठीक ना। और साथ ही देखिए चावल डाल के अच्छे तरीके से मैंने भून लिया, और जब भुना जाएगा तो आप इसमें फिर जितना आप चावल डाले थे ना उसी के अनुसार पानी डालिएगा। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा चिकन मसाला भी डाल दिया था और उसको अच्छी तरीके से मैंने थोड़ा देर और भून लिया था। फिर 2 कटोरी मेरा पानी चावल था तो वही मैंने उसका 2 गुना पानी डाल दिया था, 4 कटोरी मेरा पानी था। और उसको डालने के बाद आप इसको गिन के 3 सीटी लगाइएगा और ये बिल्कुल इंस्टेंट और तुरंत पक जाएगा बिल्कुल ही, और टेस्टी बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको इसके साथ कुछ नहीं भी आप खाओगे तो भी अच्छा लगेगा। और देखिए, ये बन गया था। फिर लास्ट में मैंने इसके ऊपर धनिया पत्ता डाल दिया और धनिया पत्ता डालने के बाद मैंने मिक्स कर दिया। देखिए, बहुत ही अच्छा बना हुआ था और बिल्कुल भी आप इसको किसी भी चीज़ से खा सकते हैं या फिर बिना किसी चीज़ से भी खाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर बस आप इसको ट्राई करिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम ऐसे ही वीडियो लाएंगे। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, आपको मिलेंगे।